नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन, देश भर में बाढ़ के हालात पर होगी चर्चा, कुछ लंबित विधेयकों को पास कराने की भी होगी कोशिश। कश्मीर घाटी के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया, पाकिस्तान से कश्मीर पर नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी बातचीत। गाजियाबाद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजपाल तेवतिया पर जानलेवा हमला, तेवतिया समेत सात लोग गंभीर रूप से घायल। बदमाशों ने AK-47 से 100 राउंड से ज्यादा फायर किया, जांच में जुटी पुलिस। भारत के खेल मंत्री विजय गोयल पर लगा असभ्य व्यवहार का आरोप, रियो ओलंपिक आयोजन समिति ने गोयल की मान्यता रद्द करने की दी चेतावनी। और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को फिर लॉन्च एजलिंस एयरपोर्ट पर रोका गया, अमेरिका के आव्रजन विभाग ने की पूछताछ, अमेरिका के विदेश विभाग ने जताया खेद। एक महीने से ज्यादा समय से तनाव झेल रहे कश्मीर घाटी के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बता दें कि इससे पहले विपक्ष के दबाव के बाद सरकार ने राज्यसभा में कश्मीर पर चर्चा की थी। चर्चा के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घाटी में जो भी चल रहा है वह पाकिस्तान प्रायोजित है, लेकिन हम पाकिस्तान से अब कश्मीर पर नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर पर ही बात करेंगे। राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि कश्मीर में लगातार कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, हालांकि अभी वहां हालात सामान्य नहीं है, मगर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति जल्द ही ठीक हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल जुलाई तक कश्मीर में 30 और युवक विभिन्न आतंकी समूह से जुड़े हैं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कल राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। एसपी के अमर सिंह ने जानना चाहा था कि क्या घाटी से बड़ी संख्या में शिक्षित युवक हथियारों के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गए हैं। अहिर ने कहा कि खबरों के अनुसार 2015 में 83 युवक आतंकी समूह से जुड़े और इस साल जुलाई तक 30 युवक विभिन्न आतंकी समूह से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों से शिक्षित युवकों के हथियार प्रशिक्षण के लिए सीमा पार जाने की खबरें नहीं है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल दलित उत्पीड़न को लेकर हो रही राजनीति पर चिंता जताई। लोकसभा में इस मसले पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, दलित मसले पर किसी भी सूरत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनाथ ने कहा कि दलितों का उत्पीड़न खत्म करने की जरूरत है। केंद्र की मौजूदा सरकार दलितों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने सांसदों और दूसरी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें। सदन में गृह मंत्री के बयान के दौरान कांग्रेस सांसदों ने पहले जहां विरोध में शोर मचाया, वहीं बाद में सदन से वॉकआउट भी किया। गृह मंत्री के मुताबिक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार आने के बाद दलितों पर उत्पीड़न बढ़े हैं। चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कलेजे पर हाथ रखकर पूछिए कि क्या वाकई दलितों पर उत्पीड़न बढ़ गए हैं, तो जवाब आएगा नहीं। दलितों के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां कितनी गंभीर है, इसका नजारा कल लोकसभा में देखने को मिला। सदन की कार्रवाई चलने के लिए कम से कम 55 सांसद की जरूरत होती है, लेकिन लोकसभा में ये सांसदों की ये मामूली संख्या भी उपस्थित नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये कि दलित मुद्दे पर बहस की मांग करने वाला विपक्ष भी नदारद था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने विपक्ष से कहा कि आपकी पहली पूरी पंक्ति खाली है। दलित मुद्दे पर बहस दोपहर 2:35 पर शुरू होनी थी, लेकिन सांसदों की कमी की वजह से सदन की कार्रवाई 3 मिनट की देरी से शुरू हुई। कोरम पूरा ना होने की घंटी 3 मिनट तक बजती रही। आखिरकार 2:38 पर कोरम पूरा हुआ और चर्चा शुरू हो पाई। हालांकि तब भी बहस की शुरुआत में कुल 75 सांसद ही मौजूद थे। रियो ओलंपिक आयोजन समिति ने भारत के खेल मंत्री विजय गोयल का एक्रेडिटेशन रद्द करने की धमकी दी है। आयोजकों का कहना है कि गोयल काफी आक्रामक और अभद्र है और वो बगैर एक्रेडिटेशन वाले लोगों को आयोजन स्थलों के अंदर प्रवेश कराने का काम कर रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख राकेश गुप्ता को लिखे गए पत्र में रियो 2016 आयोजन समिति के कॉन्टिनेंटल मैनेजर सारा पीटरसन ने कहा है कि ऐसा कई बार हुआ है कि गोयल ने गैर मान्यता प्राप्त लोगों को आयोजन स्थलों के अंदर प्रवेश कराने कोशिश की है।
यहां तक कि मंत्री के साथ मौजूद लोग स्टाफ के साथ काफी अभद्रता के साथ पेश आए हैं। स्टाफ के लोगों ने तो बस उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि उनको बिना मान्यता पत्र के अंदर जाने देने की अनुमति नहीं है। पीटरसन ने कहा कि कई बार चेतावनी देने के बाद गुरुवार को ये घटना दोहराई गई और आयोजन समिति को इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है और इस कारण भारतीय खेल मंत्री का मान्यता रद्द करना पड़ सकता है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को एक बार फिर अमेरिका में एयरपोर्ट पर रोका गया है। शाहरुख ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें अमेरिका के आव्रजन विभाग द्वारा हिरासत में लिया गया। उन्होंने ट्वीट किया कि दुनिया में आज जो हालात है उसे देखते हुए सुरक्षा के मुद्दे को पूरी तरह समझता और सम्मान करता हूं। लेकिन हर बार अमेरिकी आव्रजन विभाग द्वारा हिरासत में लिया जाना सच में बुरा लगता है। लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट पर रोके गए भारतीय अभिनेता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। शाहरुख को इससे पहले भी कुछ मौकों पर अमेरिका के हवाई अड्डे पर रोका गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर में सरेरा बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ब्रजपाल तेवतिया पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में ब्रजपाल सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत नाजुक है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर में बीच सड़क पर बदमाशों ने बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग की गई। इसमें करीब 7 लोगों को गोली लगी है। बदमाशों ने AK-47 से सहित कई आधुनिक हथियार से हमला किया है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये वारदात निजी दुश्मनी की वजह से अंजाम दी गई है। पुलिस ने AK-47 2.9mm पिस्टल राइफल सहित कई हथियार बरामद किए हैं। इस मामले की जाँच की जा रही है। उज्जैन में मई में हुए सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोपों में कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है। कांग्रेस सिंहस्थ के बाद से ही भ्रष्टाचार का कुंभ नाम से सरकार को घेरने में लगी है और अब आज युवा कांग्रेस उज्जैन ने एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि कुंभ गर्मी में हुआ, लेकिन सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि इस दौरान लगभग 30 लाख रुपए की वैसलीन की शीशियां खरीदी गई। विधानसभा सत्र में ही कांग्रेस ने सरकार पर सिंहस्थ को लेकर बड़े आरोप लगाए थे, जिसके कारण पूरे मानसून सत्र के दौरान हंगामा होता रहा। कांग्रेस के मुताबिक सिर्फ अस्थायी टॉयलेट पर ही सरकार ने 156 करोड़ से अधिक फूंक दिए। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विक्रेताओं तक को टॉयलेट बनाने के ठेके दे दिए गए। दिल्ली के सुभाष नगर में एक शख्स को टक्कर मारकर भागने वाले टेम्पो ड्राइवर राजेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी टेम्पो भी जब्त कर ली गई है। राजेश को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजेश पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक्सीडेंट के CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि टक्कर मारने के बाद आरोपी नीचे उतरा, लेकिन उसने पीड़ित की कोई मदद नहीं की और वहां से फरार हो गया। दरअसल मोताबुर नाम का व्यक्ति अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद कल सुभाष नगर से पैदल DDU अस्पताल की ओर अपने घर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे जोरदार टक्कर मारी। इससे वह सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ने उतरकर कुछ देर उसे देखा और फिर टेम्पो लेकर भाग गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ भी कहेंगे उससे समस्या ही खड़ी होगी। मुखर राजन को प्राय सरकार के आलोचक के रूप में देखा जाता है। एक साक्षात्कार में राजन से मोदी के बारे में राय पूछी गई थी। इस पर राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस सवाल को टाल दूंगा। मैं जो भी जवाब दूंगा उसे समस्या खड़ी होगी, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। राजन का मौजूदा कार्यकाल 4 सितंबर को पूरा हो रहा है। सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर टिप्पणी सहित कई मुद्दों पर राजन के बयानों से विवाद हो चुके हैं। गवर्नर पद पर आगे का कार्यकाल नहीं लेने की उनकी घोषणा के बाद इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार उनके मुखर बयानों से असहज थी। गुजरात से लाए गए शेरों को इटावा के जंगल रास नहीं आ रहे हैं। पिछले 2 सालों में 5 शावकों को मिलाकर 9 शेरों की मौत हो चुकी है। इस वक्त इटावा की लॉयन सफारी में 7 शेर बचे हैं, जिसमें से एक शेरनी की हालत खराब है और उसका बचना मुश्किल लगता है। लॉयन सफारी नहीं बना पाने का दर्द मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खुद बयान किया। उन्होंने कहा कि अगर बीमार शेरों की हालत में सुधार करने के लिए उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए वो तैयार है, लेकिन इटावा में लॉयन सफारी वह हर हालत में बनाना चाहते हैं। लॉयन सफारी 350 हेक्टेयर में बनाया जाना है। इसके लिए सालों से तैयारी भी की जा रही है। दरअसल जंगली बबुल की झाड़ियां शेरों के यहाँ रहने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है।
उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने जंगली बबुल की झाड़ियों को काटकर ये छायादार पेड़ लगाने का काम बड़े पैमाने पर कर रहा है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.